आएगा परमाणु संरचना का दूसरा टॉपिक क्वांटम संख्या, जो कि इस क्वेश्चन इस रूप में आता है, क्वांटम संख्या की परिभाषा लिखिए या इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए या कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? क्वांटम संख्या किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता, इलेक्ट्रॉन के पते को हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पता एड्रेस को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जिन जिन क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, जिन संख्या की आवश्यकता होती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, आकृति व दिक् विन्यास एवं स्वयं की अक्ष पर, स्वयं के अक्ष पर चक्रण को बताती है। यही इनकी भौतिक सार्थकता भी है। परमाणु की ऊर्जा, एनर्जी, साइज, एनर्जी ई के द्वारा, साइज आर त्रिज्या रेडियस के द्वारा, आकृति शेप की इनकी आकृति कैसी है, गोलाकार है, डंबल है, कर्वी डंबल है, दिक् विन्यास ओरिएंटेशन की अंतरिक्ष में इनका घूर्णन किस प्रकार का है, और स्वयं की अक्ष पर चक्रण रोटेशन एट इट्स ओन एक्सिस। इन सबको समझाने के लिए हमें चार प्रकार की क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या की भौतिक सार्थकता क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है, आकार के बारे में बताती है, आकृति के बारे में बताती है, ओरिएंटेशन या रिवोल्यूशन अंतरिक्ष में स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है उसके बारे में, किस त्रिज्या पर स्थित है, किस डायरेक्शन में स्थित है, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन दिशा, इसके बारे में ये बताती है। इस आधार पर ये चार प्रकार की होती है। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी द्विमेंशी क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इन चारों के बारे में एक एक तत्व पढ़ें। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या को हम डिनोट करते हैं या बताते हैं एन के द्वारा, स्मॉल एन के द्वारा, स्मॉल एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को बोहर ने या बोर के द्वारा बताया गया। मुख्य क्वांटम संख्या बताती है मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में, एनर्जी ऑर्बिट, मेन एनर्जी ऑर्बिट के बारे में बताती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे कि बोर के द्वारा बताया गया। और इसके मान जो होते हैं ये 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट अनंत होते हैं। ये फ्रैक्शन या भिन्न में नहीं होते या पॉइंट्स में नहीं होते हैं, होल नंबर में होते हैं। एक का मतलब है कैपिटल के, पहला मुख्य ऊर्जा स्तर। दो का मतलब है एल, दूसरा मुख्य ऊर्जा स्तर। तीन का मतलब है एम और एन, ए एल एम एन।
अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या पता चल जाती है इलेक्ट्रॉन की तो हम इतनी सारी चीजें बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या भी बता सकते हैं। आर का मान होता है 0.529 n² / z³ आर्मस्ट्रांग और 1 आर्मस्ट्रांग होती है 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पर L जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या का पता है तो हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जैसे कि बताया आकार, हम त्रिज्या को इसके द्वारा आकार को आसानी से बता सकते हैं। यहाँ तक आगे समझे। इसके बाद है ऊर्जा, ये मेन पॉइंट है इसके मुख्य क्वांटम संख्या के, ये अच्छे से पढ़ने हैं। ऊर्जा, ऊर्जा को हम बताते हैं -13.6 n² / z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहले से लेकर दूसरे तीसरे चौथे में बढ़ती जाती है जबकि त्रिज्या भी बढ़ती जाती है और इसे हम बताते हैं -13.6 / n² के द्वारा। यहाँ पर n की क्वांटम संख्या और z परमाणु कि कौन सा तत्व, परमाणु क्रमांक का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या, और प्रोटॉन्स की संख्या मतलब कि कौन सा तत्व है, पहला तत्व है। अगर एक है परमाणु क्रमांक तो पहला हाइड्रोजन, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं। तो ये क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के आकार और ऊर्जा के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है, पहले कक्ष में, दूसरे में, तीसरे में, और उसकी ऊर्जा क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। की क्वांटम संख्या आगे समझ में आप लोगों को। दूसरा लिंगशी क्वांटम संख्या, लिंगशी क्वांटम संख्या को हम बताते हैं फर्स्ट पॉइंट स्मॉल एल के द्वारा। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर पता चलेगा कि स्मॉल एल और कैपिटल एल एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। स्मॉल एल का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और कैपिटल एल का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या का चौथा ऊर्जा स्तर, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन चौथे मुख्य ऊर्जा स्तर में है। इसी तरह से स्मॉल एल का मतलब है लिंगशी क्वांटम संख्या जबकि कैपिटल एल का मतलब है मुख्य ऊर्जा स्तर का दूसरा ऊर्जा स्तर। ठीक है, लिंगशी क्वांटम संख्या को बताया एवरी उत्तर के द्वारा बताया गया। लिंगशी क्वांटम संख्या क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन मुख्य ऊर्जा स्तर के साथ साथ बहुत कम ऊर्जा के अंतर में उप ऊर्जा स्तर को भी बताता है, अर्थात लिंगशी क्वांटम संख्या जो है ये उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, अर्थात सब एनर्जी लेवल या सब एनर्जी ऑर्बिट कि इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर के साथ साथ और दूसरी ऊर्जा स्तर भी होती है जिसे हम लिंगशी क्वांटम संख्या के द्वारा बताते हैं और इसका मान n के मान पर या मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है और बिल्कुल उसके बराबर होता है। इसे निकाला जाता है n-1 के द्वारा और बराबर होता है ये n के बिल्कुल। अगर n का मान है, देखिए कैसे, अगर n का मान 1 है, n = 1, मुख्य ऊर्जा स्तर 1 है तो लिंगशी ऊर्जा स्तर भी 1 होगा n-1 से 0। 0 का मतलब है s,
जीरो का मतलब एस और एक का मतलब पी। अगर एन का मान तीन है तो द्विदिशीय क्वांटम संख्या के मान भी तीन होंगे। एन इक्वल टू जीरो एक दो एन माइनस वन के द्वारा निकाले जाएंगे। जीरो का मतलब अगले एस कक्षक, एक का मतलब पी कक्षक और दो का मतलब वी कक्षक। इसी तरह से अगर एन इक्वल टू चार, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था मुख्य क्वांटम संख्या में कि मुख्य क्वांटम संख्या के चार ऊर्जा स्तर होते हैं, एक दो तीन और चार। इन्हीं से सारी पावर सारणी जो है इन्हीं के ऊपर निर्भर है और यही मुख्य ऊर्जा स्तर है। बाद में ये खाली रिपीट होते रहते हैं। तो एन इक्वल टू चार के लिए द्विदिशीय क्वांटम संख्या के चार मान हुए जीरो एक दो और तीन। जीरो का मतलब एस, एक का मतलब पी, दो का मतलब बी और तीन का मतलब एस। एस पी डी और एफ ये स्पेक्ट्रम की पहली लाइन के पहले अक्षर है। एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडा जो कि स्पेक्ट्रम की रेखाओं के द्वारा लिए गए। अर्थात पहले मुख्य ऊर्जा स्तर में खाली एक ही ऊर्जा स्तर होगा 1s। दूसरे में दो होंगे 1s और 2s और 2p सॉरी। तीसरे में तीन होंगे 3s, 3p और 3p। चौथे में चार होंगे 4s, 4p, 4d और 4f। फिर बाद में जैसे मैंने आपको कहा था खाली ये चार चार आगे बढ़ते जाएंगे। जितने आवर्त सारणी के आवर्त बढ़ते जाएंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे देखिए पांच में 5s, 5p, 5d और 5f। कोई नया और ऊर्जा स्तर नहीं आएगा। ये बताता है द्विदिशीय क्वांटम संख्या कि उप ऊर्जा स्तर में कौन कौन से कक्षक होंगे। पहले में s, दूसरे में s और t, तीसरे में s, p और d, चौथे में s, p, d और f। आगे इनकी संख्या बढ़ेगी, इनका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, इनकी उप ऊर्जा स्तर की संख्या नहीं बढ़ेगी। ये चार उप ऊर्जा स्तर होते हैं जो कि स्पेक्ट्रम के पहले कक्ष पहले संख्या के द्वारा लिए गए हैं, जिनका मतलब है एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब रिफ्यूज और एफ मतलब फंडामेंटल। ठीक है, इसी क्वांटम करके आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्वांटम संख्या के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें समझ आ जाता है तो आराम से आसानी से कर सकते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या की क्यों आवश्यकता होगी, ये देखा गया स्पेक्ट्रम लाइन के अध्ययन के द्वारा कि पहले एक स्पेक्ट्रम लाइन दो स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में विभक्त हुई, लेकिन और कुछ विवेचन क्षमता के द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देखा गया कि एक लाइन स्पेक्ट्रम की रेखा तीन स्पेक्ट्रम रेखा में बढ़ जाती है। अब दो तो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विदिशीय क्वांटम संख्या के द्वारा समझा दी गई, लेकिन तीसरी क्वांटम संख्या को समझाने के लिए क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या को बताया जाता है, आप पॉइंट्स को याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं रहेगी। पैराग्राफ भी याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल आ सकती है, समझ में नहीं आएगा। तो तीसरी मुख्य क्वांटम संख्या को हम बताते हैं स्मॉल एम के द्वारा। जैसा मैंने आपको पहले बताया है स्मॉल एम और कैपिटल एम एक नहीं, दोनों अलग अलग है। स्मॉल एम का मतलब है चुंबकीय क्वांटम संख्या, कैपिटल एम का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या का तीसरा ऊर्जा स्तर जो कि आपको याद रखना है। इसके लिए एम का मान क्या है पी और एम क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब आते हैं कि इसे किसने बताया। चुंबकीय क्वांटम संख्या को जेवान नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि जब हम एक स्पेक्ट्रम रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक स्पेक्ट्रम रेखा तीन स्पेक्ट्रम रेखा में बढ़ जाती है, जिसे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा बताया जाता है।
नॉट डायमेंशन। तो इसके द्वारा हमें पता चल गया कि एस कक्षक की रेंज खाली एक एस जैसा में खाली एक ही कक्षक होता है और इसकी और आकृति गोलाकार होती है और ये आदिशात्मक होता है, इसलिए किसी भी दिशा में घूमता नहीं है या इसका दिक विन्यास जो होता है आदिशात्मक होता है, घूमने की दिशा कोई दिशा नहीं होती है, हर दिशा में घूम सकता है। इसी तरह से आपको मैं दूसरे के बारे में समझाती हूँ। एन इज इक्वल टू एक, एक का मतलब क्या है, पी कक्षक। पी कक्षक में कितनी संख्या होगी कक्षकों की, ये हम देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। देखिए एस एन इज इक्वल टू एक है तो निकालेंगे हम कैसे, माइनस वन जीरो और प्लस वन, किसके बराबर होगा मान इसका, तीन के बराबर। लगा के देखिए इंटू वन प्लस एक इज इक्वल टू तीन, और ये तीन मान कौन से होंगे, माइनस एक जीरो और प्लस वन। ये बताता है कि पी कक्षक की आकृति होगी डम्बल इस तरह से, आधी नोडल प्लेन के लिए नोडल प्लेन, आधी नोडल प्लेन के ऊपर और आधी नोडल प्लेन के नीचे, और ये एस एक्स तीन अक्ष पर घूर्णन करेगा या पी कक्ष में उप कक्ष में तीन कक्षक होंगे और ये इस इनके मान होंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड। पी एक्स की आकृति तीनों की आकृति एक ही होगी इस तरह से, ये पी एक्स ये पी एक्स ये पी वाई और ये पी जेड डम्बल आकृति। इसी तरह से हम डी और एफ की आकृति निकालेंगे। एफ की आकृति अभी तक एमएससी कंटिन्यू नहीं पढ़ाई जाती है ना बताई जाती है, अभी तक याद नहीं हुई है, बहुत हमारे कोर्स के बाहर है। डी की हम जरूर आकृति निकाल सकते हैं, डी की आकृति होती है डम्बल। अगर एन दो है इसका मतलब कौन सा है, वी ऊर्जा स्तर या वी कक्षक। अब वी कक्षक में संख्या कितनी होगी, आप इसका मान लगा के देखिए, 2l प्लस 1 में 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो वी ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या होगी 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये इनका मान किसके बराबर होगा, माइनस एल जीरो और प्लस एल में रखे देखिए, पांच माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक और प्लस दो, और इनकी आकृति डी डबल हो और इनके मान होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और आकृति डी डबल। ये है हम इस तरह से उप ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा निकाल सकते हैं। और चौथी क्वांटम संख्या बची वो ये बताएगी कि इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। इसी तरह से फिर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमने के साथ साथ स्वयं की अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिस तरह से मैंने आपको बोर में बोर के परमाणु संरचना में बताया था कि जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर गति करता है, रोटेशन करता है। जो इस रोटेशन की दो दिशा होती है, एक बार घड़ी की दिशा में और दूसरी घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये हम निकालते हैं चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा। चक्रण क्वांटम संख्या को बताते हैं एस के द्वारा, या बहुत सारी बुक आपको हायर लेवल पर एनएस के द्वारा भी बताया जाता है, और इसे बताया पुलमैन